बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने बंगाल के पंतपाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए एसएचओ अश्वनी कुमार के परिजनों से मुलाकात की। लेसी सिंह ने जानकी नगर थाना के पंचू मंडल टोला स्थित शहीद थाना अध्यक्ष के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और फिर शहीद थाना अध्यक्ष की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। पीड़ित परिवार को मंत्री लेसी सिंह की ओर से तत्काल 1 लाख राशि से मदद भी की गई, साथ ही उन्हें हर संभव न्याय देने का भरोसा भी दिलाया गया। इस दरमियान मीडिया से बातें करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि वे इस घटनाक्रम से काफी मर्माहत हैं। दुख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है, चूंकि यह दो राज्यों के बीच का मामला है। बंगाल चुनाव की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात कर सीबीआई जांच की बात वे रखेंगी और उनसे जितना भी बन पाएगा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। आज हमने उनके परिवार से जाके मिली और परिवार बच्चे के साथ मिली, उनको संवेदना प्रकट की। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारी सरकार की ओर से पूरी इसमें तत्परता से जो पुलिस को करना चाहिए वो सरकार कर रही है और भी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी कर रही है, लेकिन ये उनके परिवार का एक मांग है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच, ये केस बंगाल में हुआ है, ये घटना भी बंगाल में हुआ है, तभी बंगाल में चुनाव चल रहा है और जैसे ही सरकार गठन होगा वहाँ के सरकार से और राज्यपाल से मिलके उनके परिवार के साथ मिलके ज़रूर हम लोग भी इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाएंगे और उनके साथ सहयोग में खड़ा रहेंगे कि सीबीआई जांच हो और उनको न्याय मिले। ये हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है, उनके परिवार के लोगों को। हमारे तरफ से आज उनको एक छोटा सा सहयोग दिया गया है कि बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, 1 लाख का राशि दिए हैं और भी आगे भी उनके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए मैंने आश्वासन दिया है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम लोग मदद करेंगे आगे पढ़ाई में बच्चे को और परिवार के साथ हर संभव मदद करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। पूर्णिया के कल्याण छात्रावास में